नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आ गया हूँ फ्लैट के रिगार्डिंग। और जड़ से मकान लेके आया हूँ मैं आपके लिए द्वारका की लोकेशन में। और अगर लोकेशन की बात करूँ तो द्वारका सेक्टर 16 की लोकेशन लगती है। और यहाँ पे आपको जड़ से मकान मिलने वाला है, 120 गज का टू साइड ओपन मकान लेके आया हूँ आपके लिए। 3 BHK की बेसिकली प्रॉपर्टी रहने वाली है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको एरिया बता ही दिया कि 120 गज में टू साइड ओपन है और जड़ से मकान मिलता है। और कहीं पे भी कोई भी आपको द्वारका की लोकेशन में जड़ से मकान नहीं दे रहा, लेकिन हम आपके लिए आज ये लेके आए। छोटी सी अपडेट है, फ्लैट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन में है, फिनिशिंग का काम चल रहा है हमारे फ्लैट में। तो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आप अवॉइड करना। मैं बेसिकली जो है आपको ये पर्पस जो है मेरा वीडियो बनाने का कि आपको एक लेआउट समझा दूँ, एक आपको चीज़ दिखा दूँ कि इससे पहले ये निकल जाए तो आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं। और लोकेशन और अमेनिटीज यहाँ पे सारी रहेगी, रजिस्ट्री है प्रॉपर्टी में, ठीक है। द्वारका की लोकेशन है, साथ ही पार्क से जो ये प्रॉपर्टी है सिर्फ 100 मीटर पे जो आपको यहाँ पे पार्क देखने को मिल जाता है, 200 मीटर पे द्वारका का मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नियर बाय आपको सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और जैसे कि आप सभी को ही पता है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है वो द्वारका के ऊपर बना रखी है कि यहाँ पे क्या लोकेशन है। तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, तो एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको कि लोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्सेसिबल लोकेशन है। आप गुड़गांवा जा सकते हो, आइए एयरपोर्ट जा सकते हो 15 से 20 मिनट में। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, नियर बाय मार्केट्स मिल जाती है, वेगस मॉल आपको इस फ्लैट से नियर बाय देखने को मिल जाता है। तो फटाफट लोकेशन मैंने आपको बताई दी, अमेनिटीज़ है, रजिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, रजिस्ट्री है इस प्रॉपर्टी में, साथ ही 80-90% जो होम लोन भी हो जाएगा। तो फटाफट देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी का एक बार टूर कर लेते। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम अपने कॉरिडोर में खड़े हैं फ्लैट के। यहाँ पे आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो है आपको लिफ्ट देखने को मिल जाती है। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारी मेन एंट्रेंस है 3 BHK फ्लैट की, जड़ से मकान लेके आया हूँ। यहाँ पे एक बार मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। आप देख सकते हो फ्लैट में जो है काम चल रहा है, फर्नीचर का काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारा स्पेशियस लिविंग एरिया है और इसी के साथ में जो है आप यहाँ पे देख सकते हो किचन, हमने यहाँ पे किचन का स्पेस दिया और काफी अच्छे स्पेस की जो है यहाँ पे आपको किचन देखने को मिल जाती है। पर टाइलिंग हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और इस साइड जो है कॉमन वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। साथ ही ये हमारा एक फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा जो कि बालकनी से अटैच रहने वाला है। एक बार इसकी आपको बालकनी भी दिखा देता हूं मैं। आप देख सकते हो काफी अच्छे स्पेस में जो आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, चाहे आप वॉशिंग एरिया यूज एज मतलब बनाना चाहो तो बना सकते हो। और इस साइड जो हमने यहाँ पे वार्डरोब का प्रोविजन दिया हुआ है, तो वार्डरोब यहाँ पे बनवा रहे हैं। अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो तो उसके भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और सामने की तरफ जो है फ्रंट साइड पे आप देख सकते हो आपको टू जो है यहाँ पे दो बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। एक हमारा ये बेडरूम रहेगा, बालकनी से कनेक्ट है, और ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये बालकनी और वॉशरूम दोनों से ही कनेक्ट है। एक बार मैं इसका आपको, ये हमारा अपर फर्स्ट था, मैं इसका जो है आपको एक बार फर्स्ट फ्लोर भी दिखा देता हूँ। तो चलते हैं ऊपर, एक देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3 BHK है। वैसे अपर ग्राउंड फर्स्ट जो भी हमने लेआउट आपको दिखाए हैं सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे 4 फ्लोर तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बड़े स्पेस का, एक बार आप इसका लिविंग एरिया देख सकते हो कितने ह्यूज स्पेस का जो आपको लिविंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फोर सीलिंग जैसे कि आप देख सकते हो हमने कराई हुई है। लाइट्स की फिटिंग फर्स्ट फ्लोर पे अभी चालू है, यहाँ पे अभी होनी बाकी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टाइलिंग का प्रॉपर जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रॉपर हमने किचन में टाइलिंग लगा रखी है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको किचन में देखने को मिल जाती है। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम से भी वेंटिलेशन है। टू साइड ओपन फ्लैट है तो वेंटिलेशन का कोई भी जो है यहाँ पे इशू नहीं होगा, काफी अच्छी वेंटिलेशन है। और आप देख सकते हो विदाउट लाइट जो है कितनी अच्छी आपको सनलाइट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही ये हमारा बालकनी का स्पेस है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, फर्स्ट बेडरूम ही हमारा आ गया। और बेडरूम में भी जो है बालकनी प्लस विंडो दोनों ही आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो बेडरूम के साइज काफी अच्छे, काफी डिसेंट साइज का यहाँ पे आप देख सकते हो, फोर सीलिंग भी हमने की हुई है, ठीक है। और बालकनी आप देख सकते हो इसकी फ्रंट में बालकनी कितनी अच्छी निकली हुई है, काफी अच्छी जो है बालकनी है। साथ ही एक चीज बता दूं, फ्लैट के जस्ट सामने जो है आपको मंदिर भी देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छी यहाँ पे आपको प्रोविजन है जो अगर मंदिर चाहते हैं तो आपको फ्लैट के बाहर ही देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छा यहाँ पे आपको बेडरूम का साइज देखने को मिल जाता है और अटैच वॉशरूम आपका यहाँ पे रहेगा। सारी सैनिटरी फिटिंग्स हम सारी प्रॉपर आपको एक ब्रांडेड जो है यहाँ पे आपको सैनिटरी फिटिंग्स देखने को मिलेगी, टैप की फिटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने यहाँ पे जो भी वायरिंग है सारी चीजें हमने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो सारा ही ब्रांडेड काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट्स जैसे कि था तो यही हमारी अपडेट रहने वाली है। बाकी इस फ्लैट की वीडियो में फ्यूचर में लेके आऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा।
अगर उससे पहले आपको बुकिंग करनी है इस फ्लैट की, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होगा, आप बुकिंग कर सकते हो। साथ ही प्राइसिंग में आपको इसकी बताता हूँ। अगर आप इंडिविजुअल लेते हो ये फ्लोर, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो जो इसकी प्राइसिंग हमने रखी हुई है, आस्किंग प्राइस इसकी 70 लाख रुपीज हमने रखी हुई है इंडिविजुअल फ्लोर की। अगर आपको पूरी बिल्डिंग जड़ से लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होगा, आप कॉल करके इस फ्लैट की, इस पूरी बिल्डिंग की जो एक्चुअल में डिटेल ले सकते हो, प्राइसिंग आप जान सकते हो। तो जल्दी से जो है कॉल कर लेना, और अगर ऑफिस विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हो इस जो साइट है हमारी, इसका फिजिकल टूर करने के लिए। बाकी फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगेगी, अगर ये अपडेट अच्छी लगी आपके लिए, यूजफुल अपडेट्स थी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैं आकाश मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड।